मुत्तुन बकरा चढ़ाया म्हणजे तार बेटा हे वर तू एक दूसरे प्राणी बेटान पकड़न लावस और तार बेटार खुशी दुगु दूसरे बेटान मारस असो खोटो काम और असो खोटो काम करे परमिशन तो सतगुरु देवाड़ो कदी को खोटो काम करे परमिशन सतगुरु कदी ही देवाड़ो सतगुरुन कलंक मत लगाओ सतगुरुन प्रकाश बनन रे दो सतगुरुन जगे म छाए देव सतगुरु री महिमा बढ़ाओ तम बढ़ायो ये लोगों के वाणी याद आ गई है राजस्थान में आपको बुरा नहीं लगेगा नाराज ही जाए कहीं ऊपर हाथ करो कानून कायदा बढ़ गए छे मन खूब डर लागे छे कोई कीमती कहीं भी केस कर दे तो कहीं करी साधु आदमी मार बाल बच्चा के ब्रह्मचारी के अर्गल काम कसेन करो जो कहा गए थे श्री राधे संतों का उपदेश यूं समझ लो महाराज का ही उपदेश है वही है सर्वत्र शक्ति महाराज मान रे नरी मान रे सतगुरु का कहना मान रे नर नुगरा रे मत किसी की जान ले मत किसी की जान ले मान रे मरी मान रे सतगुरु का कहना मान रे नर नुगरा रे मत किसी की जान ले हाँ मत किसी की जान ले कोई प्यासो छ दिन पानी पराओ संत एकनाथ महाराज गंगोत्री ती कावड़ लेतानी गंगोत्री पानी कत जा रहे थे चढ़ाए ना संत एकनाथ महाराज अपने सारी संतोर साथ गंगोत्री हिमालय कावड़ पानी लेतानी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग चढ़ाएं जा रहे रामेश्वर एम चढ़ाएं जा रहे भगवान उनूर परीक्षा ली दो एक वालवंटिक प्रदेश एक सुखो प्रदेश जत पानीर नाम कुन असे सुखे प्रदेश एक गधा पानी जुग तड़प रो गधा पानी के लिए तड़प और पानी जुग तड़प रो गधा महाराज साथ जे लोग हेते सारी रहते कावड़ एक एक देखन निकलते गए अतरा कीमती पानी गंगा जल हमारी मुक्ति है जाए ये सारू हम रामेश्वर एम जान चढ़ाया गदान पर आया एक एक बढ़ गए संत एकनाथ महाराज री कावड़ आई संत एकनाथ महाराज देखो एक गधा पानी जुग तड़प रो हे परमात्मा हे परमेश्वर तू कणकण व्यापी ची मन मुक्ति मल नी मल मई पानी गदान पर और संत एकनाथ महाराज अपनी कीमती लाए हुए मेहनत पानी गदान पर आ दो भगवान प्रकट है
धन्य। प्रसिद्ध कथा आहे ना एकनाथ महाराजांची, ऐकली असेल वाचली असेल बरेचशा मंडळींनी। गंगेत गंगोत्रीहून आणलेली कावड आणि एवढं अमोलाचं पाणी गाढवाला पाजून आणि आत्म्याच सुखात सुखमग्न। मला वाटत की तेवढं आनंद तेवढं सुख त्या लोकांना कदाचित मिळालं असेल ज्यांनी लिंगावर पाणी टाकलं। एवढी आत्मानुभूती जी महाराजांना लागली संत एकनाथ। सुख दिया सुख मिले, दुख दिया दुख मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, इसको दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है, अरे औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। काही तथा कथित लोगुरा से विचार छ कि बापू समाज ने एक अलग दिशा दे रो। बापू समाज ने पूर्णतया स्वर्णिम देखनो चाहो, पूर्णतया एनुर खान पान रहन सहन आचार विचार बोली भाषा असी उत्कृष्ट दर्जे रह जाव कि देशे में वो चमके लग जाव। ओनुर साथ सारी समाज रो विकास, सारी विश्व रो विकास। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तरह किसी संत ने एक पद ये गाया, थोड़ी सी राजस्थानी भाषा लेकिन समझे आपको, साधा है सिंपल बात। मान रे नरी मान रे सतगुरु का कहना, मान रे नर नुगरारे, मत किसी की जान लेना, मत हमारी जान ले। अरे मत की दारू पीवे रे मुर्गा से रोटी, खावे रे नर नुगरारे, मत किसी की जान ले, हाँ मत हमारी। नित की दारू पीवे रे मुर्गा से रोटी, खावे रे नर नुगरारे, मत किसी की जान ले, हाँ मत किसी की जान ले। मान रे नर मान रे सतगुरु का कहना, मान रे नर नुगरारे, मत किसी की जान ले, आहा। कैसी संस्कृति थी रघुकुल की परंपरा में, एक महाराज सिधी नाम के राजा हो गए, राजा हरिश्चंद्र, राजा सिबी। तो सिबी नाम के राजा, किसी भिल्ल ने कबूतर को बाण मारा और मूर्छित होकर कबूतर महाराज की बगिया में गिरा। महाराज सीधी विराजमान थे, उन्होंने उसको दौड़ कर उठाया और कहा कि अरे कितना सुंदर पक्षी है, किसने मारा इसे। वैद्यों को बुलाकर उपचार करने लगे, वैद्यों को बुलाकर उपचार करने लगे। उतने में वो आया जिसने बाण मारा था और उसने कहा महाराज ये मेरी शिकार है। राजा सिबी ने प्यार से कहा अरे बेटे ये तो एक खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाला एक स्वस्थ पक्षी है जो आकाश की शोभा बढ़ा रहा, वो तेरा दुश्मन कैसे हो गया, कैसे बाण मार दिया उसे। कहते कि नहीं वो मेरी शिकार है। महाराज सिबी ने कहा इसका प्राण तो तेरा नहीं है। बोले प्राण नहीं लेकिन इसका माउस मेरा है, तुझे माउस चाहिए
ठीक है, माउस के बदले तुझे मैं मेरा माउस काट कर दूंगा। और राजा सिबी ने अपनी जंघा का माउस कबूतर की बराबर काट के और उसको तराजू में तोल कर दिया। माउस कबूतर नहीं मिले, थोड़ी सी दया जगाओ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयान छोड़िए जब तक घट में प्राण। कुत्ते से प्यार, बिल्ली से प्यार, गौ माता से प्यार, सारे प्राणी सब में कोई छुपा है। थोड़ा सा गहराई से देखो, क्योंकि हम और आप सब मेहमान हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे चले जंजीर, सब जाएंगे। तो जितना हो सके बंदों प्यार करो सबसे, खुला प्रेम, बहुत मजा। मान रे नर मान रे सतगुरु का कहना, मान रे नर नुगरा रे, मत किसी की जान ले, मत किसी की जान ले। हमारे जैन बंधु भगवान महावीर का एक अहिंसा का सूत्र लेकर इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते महाराज, करोड़ों के मंदिर, उनको देखकर अच्छा जैन मंदिर क्या। और एक छोटी सी नासमझी के कारण आप गांव में एक छोटे छोटे देवल बना दे, जैन दूरे समझे वालों समझ जाए कि ये सेवा भायार देवल ही है। देवलेर कोई व्यवस्था कौन, 10-20 सीमेंटेर थेली रो देवल, अवड़ा को ओटा और मई एक संदूर लगाए हुए भाटा। अगरबत्ती लगाए व्यवस्था कोनी, दीवाण्या वो दीवाण्या भी जंग खारो कहीं वर्सूर कोई धो। देवलेर दरवाजो टूटगो केनी चिंता को, चारी बाजू घास उगरो, कुतरी कुतरा हांग में ले, एकादी झाड़ ही लीमेरो और मुंग ढाना बकरान टांगे सारू, 12 महीना में एक फट टांग दिए, घासे में बैठ जाए, एक मुको जानवर नान मार नाखिए उन टांग दिए, सारी चोड़े मैदाने मोर चामड़ो का दी। हे मारिया, हे चेनिया, पकड़नी साढ़े सारी ढाट के साढ़े सारी। एक कारभारी ही है, अवड़ा सारो तबेला मोन बनाए, दी मुठी लूण नाग दिए, याडी प्रसाद, याडी प्रसाद, लोटा भर भर पानी पिए, अन डली डली कारभारी रखा लिए, अन लोटा भर भर पानी सारी जनता ने जाओ याडी प्रसाद। श्री राधे, अरे तुम्हारो भलो है, जाओ कई खोटो काम कुकर उठाए, कदक बनाए भगवान महावीर जैसो मंदिर, कदक सारी माथो झकिए तुम्हारे देवड़े मुंडांगा। सोचो सोचो समझो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
जो निर्बल है जो निर्धन है वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम मेहमान आए हैं, आप और हम, ये दुनिया जो भी आई है ये सब मेहमान है। 70-80-100 बरस के उसके बाद नहीं रहेंगे। कर लो प्यार, लुटा दो मोती, डाल दो कबूतरों को दाने, कर लो पशुओं से प्यार, पेड़ पौधों से प्यार, इंसानों से प्यार। कोई मजहब पंथ नहीं, प्यार कर लो सबसे। बहुत मजा, बहुत मजा आता है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। वो रहते हैं जमी पर लेकिन आसमां की खबर ताड़ने वाले, जिन्होंने इस संसार को जाना है, इस जीवन को जाना है, वो तो भरे हैं प्यार से। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, उसके बाद भी आवाज निकली कि उसे माफ कर देना। क्या बात है, उसे माफ, क्या बात। मीरा को जहर पिलाया गया, मीरा ने श्राप नहीं दिया, कहती ठीक है कर चरणामृत पी गई, जो तेरी मर्जी जो तुझ भावे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम कत्ल कर दिया गया, लेकिन वहां जब बैठे हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उन्होंने कहा कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत में पाई, ना कोई बैरी ना बैगाना, ये सुमत साधुन ते पाई। बादशाह सलामत को उन्होंने कहा मेरा धर्म परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हे बादशाह मैं तेरे लिए भी कुछ नहीं बद्दुआ करूंगा। ठीक, बादशाह की भी गर्दन झुक गई कि गजब का है ये महापुरुष, कत्ल कर रहे फिर भी कहता नहीं करूं। हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। उन्होंने कहा ये सुमत साधुन ते पाई, ना कोई बैरी ना बैगाना, न कोई पराया है न कोई दुश्मन। यू कहा पेक पेक नानक बिलखाई। वो नानक देव जी महाराज कहते कि सब में रम रहा प्रभु एके, सब में रम रहा प्रभु एके, पेक पेक नानक बिलखाई। जब आप किसी चीज की हत्या करते हो तो वो तड़पता है और उसकी प्रतिशोध की भावनाएं होती है, और उसकी जो प्रतिशोध की भावनाएं है उसके ब्लड में, उसके मसलों में, उसके मांस में उसका अंश आता है। और आदमी सोच, जितना आपका अंतकरण पवित्र होगा, एक चींटी भी अगर मर जाए तो आपको दुख होगा कि अच्छा नहीं कैसे। और जितना अंतकरण ठोस होगा उतना बड़े से बड़ा पाप करने में भी आदमी जरा भी नहीं डरता, लेकिन शुरुआत उसने छोटे से की थी। इसलिए मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं या आपको ताड़न नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दुखाना नहीं चाहता। किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए आपसे मुझे प्रेम हो गया है। शास्त्र कहता है जो 7 कदम अपने कदम से कदम मिलाकर चल ले वो मित्र हो जाता है, उसका शुभ सोचने लग जाना। 7 कदम तो आप तो घंटों मेरे पास बैठते हो, आप क्यों नहीं मेरे मित्र हो। मैं आपको मित्र देख रहा भाव से, इसलिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं।
हजरत मोहम्मद साहब आए दुनिया में, उन्होंने कहा मैं एक पैगाम लाया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं डाकिया हूं, पोस्टमैन हूं, पत्र पहुंचाने वाला। ऋषियों ने गुरुओं ने जो संदेश भेजा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान ने जो संदेश दिया है वो संदेश लेकर आया। मैं कोई भगवान नहीं, कोई महान नहीं, कुछ एक पैगाम, एक संदेश, और अच्छा सा संदेश। इसलिए अगर आप मेरे साथ घुल मिल गए हो, इसलिए सोचता हूं कि बातें कर लूं आपसे, बाद में मिले ना मिले। जीवन में शिक्षा और जीवन में दीक्षा अति आवश्यक है। कोई ऐसा स्पॉट चुन लो जहां आप मन की बात कह सको, जहां आपको मन की राह मिले। शिक्षा को जीवन में स्वीकारो ताकि बुद्धि का विकास हो, और उस विकसित बुद्धि में समझने का पावर होता है। मैंने अनुभव किया है, हमारे आश्रम में लोग आते रहते हैं जो विकसित बुद्धि के लोग हैं, उसमें भी कहीं कहीं अलग माइंड के होते हैं, उनकी बात नहीं, लेकिन करीब करीब विकसित बुद्धि के माइंड के लोग ठीक से समझ लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, तो विकास है। इसलिए इन्होंने एक पद शुरू किया, गालेंगे गावे, अच्छा मालवी भाषा में। मुगरारे मत किसी की जान ले, मत किसी की जान ले, नित्य की दारू पीवे रे मुर्गा से रोटी, खावे रे नर नुगरारे, मत किसी की जान ले, आहा मत हमारी जान ले, यो मुर्गो कहीं कहीं खावे रे थन सीधो नरक ले जावे रे नर नुगरारे, मत किसी की जान ले, मत किसी की जान ले, बकरी को बच्चों काट रे सेड़ा सो छाती फाट रे नर नुगरारे, मत किसी की जान ले, मत हमारी जान ले। बकरे का बच्चा बहुत सीधा प्राणी है, बहुत सीधा। बचपन में हमको भी नाटक देखा करते, लोग उनको मंदिर के सामने खड़ा करते, चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा करते, हम छोटे बच्चे, हम भी घुसकर देखते कि क्या नाटक है। हाल थाम रहे, धड़धड़ी कुंडली दो, भाई मत कर, हमको भी अचंबा लगे, क्या होने वाला है। मैं बड़ा जिज्ञासु था, बहुत कम आयु से मुझे मालूम है, हर चीज को देखना अच्छे से क्या है। अभी कोई कोई बच्चे वो ढीठ रहे, यानी उनको डर नहीं लगे। मैं तो कहता हूं कि कोई तलवार लेके जमिया लेके 10-20 लोग चारों ओर खड़ा रहे तो आदमी को भी धड़धड़ी आ जाए, आ जावे ना धड़धड़ी, चारों ओर घेरा बना ले तलवार और वो सब जमिया वमिया कुराड़ी लेके, है डांटे मत दो, डांटे मत दो, आ जावे ना कांप जावे। लेकिन कोई कोई बच्चे बड़े मजबूत रहे, वो कांपे नहीं, वो इधर सिर डाले उधर सिर डाले इधर डाले, वो डरे नहीं, फिर थक जावे और थकने के बाद के पानी ना को और माथे,
फिर उसके सर पे पानी डाले। अब वो बालों बालों वाला प्राणी, और जब उसके बालों में उसके स्किन चमड़ी तक पानी ठंडा जाएगा तो वो उसको झटकेगा ना महाराज। जैसा ही उसने झटका, धड़धड़ी ले लो। अरे एक साधारण प्राणी पर जो राजमारो ची तलवार ले ले दौड़ रो ची। घर में पत्नियों के ऊपर पावर दिखाते और बाहर आके बाहर पावर दिखाते, पत्नियों के ऊपर पावर दिखाते, हाँ बाहर आके वो हो जाए, क्योंकि वो निर्बल है, वो अर्धांगी नहीं है, वो सहज हो गई। तो इस पद में उस कवि ने एक शब्द लिया, बकरी को बच्चों काटे रे शेरों सो छाती फाटे रे, डर डुगरा रे। बोल भाई शेर की बलि देने की प्रथा क्यों नहीं शुरू की लोगों ने, शेर की बलि, भाई शेर लाना चाहिए और उसकी बलि देनी, वो हमारी बलि ले लेगा, वो हमारी बलि ले ले, इसलिए वहां डाल नहीं गलती। ये अच्छा प्राणी है, निर्दोष प्राणी। सारी गाड़ी में धरधरन ले आओ, कोई वो टेंशन को निकट ले जा रहे कहीं गोर कड़ो बनो, दोनों मुंडी हलाव कर। लान वतार दिने बैठ गए, छरी लेन हुए तेरी कौन समझो, ये कहीं कर रहे, निधाड़ जाओ जरा सो होशियार रहे हो, जरा सो होशियार रहे वो तो हर एक प्राणी में ताकत रहे वो, आसे चारी लात हाथ चलाव की तुमने परेशान करना, डांट लेकिन उनका ही कौन समझो। आगे बकरी को बच्चों काटे रे सेरा सो छाती फाटे रे नर नुगरा रे, मत किसी की जान ले। बहुत अच्छा समाज, बहुत राजपुताना समाज, बहुत शान का समाज। आहा बहुत चरण दास को केनो रे बदलो यो पाछो देनो रे नर नुगरा रे, मत किसी की जान ले, हाँ मत किसी की जान ले। गुरु चरण दास को केनो रे बदलो यो पाछो देनो रे नर नुगरा रे, मत हमारी जान ले। मान ले नर मान ले सतगुरु का कहना, मान ले नर नुगरा रे, मत किसी की जान ले, मत हमारी जान ले, मत किसी की जान ले। गीता में भगवान ने कहा कि ये कर्म प्रधान सृष्टि है, जो जैसा करता है उसका फल उसे मिलता है, तो इसलिए कर्म फले सुखदाचन। हाँ कर्मण्यवाधिकारस्थे मा फले सुखदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्थे। इसलिए मैं कहूंगा कि रोज जो ये सब करते हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं करते उन्हें एक सुझाव। सुबह उठो पानी प्रयोग करो, पानी पियो, थोड़ा सा टहलो स्नान करो, और स्नान करने के बाद थोड़ा सा ध्यान करो। जिस किसी रूप में आप ईश्वर को मानते हो,
आप महाराज के प्रति आस्था रखते हो तो संत सेवालाल महाराज सतगुरु के रूप में। ओंकार का दीर्घ गुंजन करो जिससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर होती है। बैठ जाओ बढ़िया आसन लगा के, माने पोजीशन में, जैसे पोजीशन में बैठते हैं मन पर उसका ऐसा इफेक्ट होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी करो क्योंकि वो प्राण वाहिनी एक सूक्ष्मना नाम की नाड़ी है। आपको जब हमारे डॉक्टर लोग बेसुध करते हैं, मूर्छित करते हैं, तब उसी पीठ के रीढ़ में इंजेक्शन देते हैं और उससे आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ भी करो तो वो प्राणवाहिनी, और वहां पर सीधा बैठकर जहां पर तिलक लगाते हैं उस जगह हल्के से भ्रुकुटी को एकाग्र करके ज्ञान मुद्रा यूं हाथ सरल, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और ऊर्जा का सर्कुलेशन ठीक से होना चाहिए, इसलिए पोजीशन की आवश्यकता। यूं बैठ, ओंकार का दीर्घ गुंजन करो 2-5 बार। ओ तरह ऊर्जा ऊपर नीचे होगी, ओंकार के गुंजन से ऊर्ध्वगामी होगी। ओंकार का दीर्घ गुंजन, ओंकार परमात्मा का बीज नाम है, बीज मंत्र जिसे कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा सतनाम एक ओंकार गुरु प्रसाद। उन्होंने कहा कि गुरु का प्रसाद लेना है तो सतनाम एक ओंकार सतगुरु प्रसादी अजुनी से भंग अकाल मूरत। भगवान गीता में कहते हैं कि शब्दों में मैं ओंकार। आपका जो श्वास चलता है उस पर आप ध्यान केंद्रित करो तो आपका श्वास ओम सोहम ऐसा बोलेगा, इससे आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, आपके चित्त में शांति आएगी, आपका ज्ञान तंतुओं का विकास होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। और हमारे संत रामदेव जी महाराज जो वो प्राणायाम का ये दिखा रहे, वो प्राणायाम पद्धति अनादिकाल से वेदोक्त पद्धति है, साधु संत करते थे, लेकिन इस तरह से कि भाई ठीक है ये हमारा है किसी को क्या कहना। और बीच के काल में लोग थोड़ा सा मति भ्रम में थे, विभ्रम, कोई कुछ भी करे तो कहते कि अंधश्रद्धा है, कोई भगवान का कीर्तन भी करे तो कहते कि अंधश्रद्धा, ये रिकम में लोग, ये रिकम्मे लोग, ये फालतू लोग, इस तरह कहा करते थे। लेकिन अब जब एक एक चीज पर रिसर्च किया जा रहा है और एक एक रिसर्च करके वहां से टेस्ट होकर पब्लिक के सामने आ रही, तब हर आदमी मानने पर मजबूर है कि ठीक है मानना पड़ेगा। तो महर्षि पतंजलि के जमाने से 84 प्रकार के आसन, अनेक प्रकार के प्राणायाम इनका आविष्कार था, जिसके बल पर स्वस्थ और निरोग रहा करता था मनुष्य। लेकिन किसी कारणों से सब दब गया, तेस नेस हो गया। पुनः इस भारत भूमि पर परमात्मा की कृपा बरस रही है, बड़े बड़े संत पैदा होकर और रिसर्च करके उन चीज को पुनः हमारे सामने, हमारे आश्रम में भी ये सब चलता है। और उसके बड़े रिजल्ट, प्राणायाम करो, वो प्राणायाम थोड़ा सा भगवान का जाप करो,
15 मिनट आधा घंटा ये प्रयोग आपको बहुत ऊर्जा देगा, बहुत ऊर्जा देगा, करो आप। इसी से तो हम इन सारी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ के और जीवन को बहुत सुंदर, बहुत उत्सव प्रिय, आनंदित, सरल, सहज, नो टेंशन वाला बनावे। जो लोग बात बात में टेंशन लेते ना, वो भी ठीक नहीं है, उससे ब्लड खराब होता है। टेंशन नहीं ले, बार बार गुस्सा, जरा जरा सी बात, अहंकार के कारण गुस्सा होता। अहंकार मिटाओ ना, भगवान पर छोड़ो, अपन केवल कर्म करो, पुरुषार्थ करो, फल देने वाला परमात्मा है। इसी तरह की व्यवस्था। तो मैं बाबा के कुछ सूत्रों को थोड़ा पेश करूं, फिर समय होगा, हो रहा है। बाबा रामदेव जी महाराज, एक बार 650 बरस पुरानी बात, एक लाखा नाम का बंजारा बालदों में मिश्री भर के और जा रहा था। एक राजकुमार के रूप में बाबा खड़े हैं एक घोड़े को लेकर, और सहज हंसते हुए पूछते हैं, बिन जारो रे बीरो कठिने सुआयो। रामदेव रे में आप लोग संत सेवालाल महाराज के लिए गौरव करके आते हो ना, ऐसे राजस्थान के बंजारे रामदेव रे में बाबा के धाम में बड़े गौरव, बड़े गौरव। वहां बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना रखी। हमारे जोधपुर में भी साधक परिवार है, राजस्थान के बंजारों में दो धर्मशालाएं। मैं जब उधर जाता हूं, बड़ी अच्छी संस्कृति मर्यादा की, मुझे बहुत प्यारी है। बाबा रामदेव जी महाराज ने सहज में पूछा, अरे बिन जारो रे पीरो रे कठिने सुआयो। तारे बाल दड़ी में काई रे माल जायो जियो, बिन जारो रे पीरो रे कठिने सुआयो। बाल दड़ी में काई रे माल जायो जियो, मारी बाड़ी रा राजा अजमाल जीरा बेटा, माता मेरा तेरा लाल मारो हेलो, अरे हारे मारो हेलो, सुनो जीरा बापी ओ जीरे मारो हेलो, सुनो जीरा बापी बनवारी ताई जी, तन जड़े के सरियो जान मैं बनवारी ताई जी, धजा बंद होते तो धनिया राखो लाज हमारी जी, धजा बंद होते तो धनिया राखो लाज हमारी जी। ओ राम शापीर थारी दरगाह पे शीश नवा, मनलेरा फूल चढ़ावा अजमाल जीरा गौरा, आता मेरा तेरा लाज मारो हेलो, अरे हारे मारो हे ओ, सुनो जीरा मापी जी, ओ जीरे मारो हे ओ, सुनो जीरा मापी जी, ओ जीरे मारो हे ओ, सुनो जीरा मापी जीरे मारो हे ओ, सुनो जीरा मापी। भाई लाखा बड़ जा रहे को बाबा रामदेव जी ने पूछा, काई भर लाया हो,
थाका बालद में काई भरिया है, क्या भरा है आपके बालदों में? व्यापारी लोग थे ना, बड़े चालाक थे, चतुर थे। इनकी ये जो ये भाषा है, इससे भी एक दूसरी भाषा आती है। हमारे दादाजी बोला करते थे, कहते हम उस टाइम में क्या उसको पारसी कहते थे, पारसी, पारसी भाषा। इधर मालूम है क्या? इधर के लोगों को मालूम है पारसी भाषा कोड वर्ड होते थे, कोड वर्ड। और ऐसे वर्ड जो कोई भी कितना ही चतुर आदमी उधर खड़ा रहे और ये आपस में बात करे तो कुछ भी नहीं समझे। कारण ये खंजा रहा का ही कथरो, वो आदमी को खंजा रहा के। एक उनकी बनाई हुई अलग भाषा, पूरी भाषा थी। मैं कभी सुनता था ये कैसी बोल, बोले धंधा करने की भाषा है। अगर कोई लफ्ज सामने वाले को समझे तो सौदा बिगड़ जाओ, इसलिए आपस में बोलने का और उसके बाद धंधा। बड़ी सुंदर व्यवस्था। एक आदमी व्यापारी और बड़ा व्यापारी, उसने सोचा ये राजकुमार है। छोटे छोटे राज हुआ करते थे ना, मांडलिक राजे, ये राजकुमार है। और अगर मैं सच बोल दूं कि इसमें मिश्री भरी हुई है तो टैक्स लग जाएगा, जिसको कर कहा करते, कर लग जाएगा। इसके लिए उसने थोड़ा सा दिमाग चलाया और झूठ बोला। सामरिया करके एक जगह है अभी भी, वहां नमक का डेपो था। हम लोग बहुत वर्षों पहले गए तभी उधर देखा था, न जाने कोई ट्रेन व्रेन का कोई कोई पुराना कोई सिस्टम हो। तो लाखा सेठ ने कहा सामरिया सू लून भरी लायो मारा बाप जी, अरे सामरिया सू लून भरी लाया मारा बाप, ओ सामरिया सू लून भरी लायो मारा बाप जी। आपरा देश माई आयो जियो, आपरा देश माई आयो जियो, सोनेरी सरपेज बिंद बनया है राम रे, अलख पुरुष मारवाड़ जावे बाबा गुजरात जावे, मारवाड़ जावे बाबा गुजरात जावे, हरियाणो बिकानो मनावे जियो, आवे जारो बाबा वे आवे, पापी नुगरा से दूरो जावे जियो, जोई जोई जावे जारे बाबू भेलो आवे। कहते कि खम्मा बाप जी, वहां की भाषा है बड़े आदमी को संबोधन कहना है, खम्मा खम्मा ऐसी भाषा है। बाप जी मैं सागर सामरिया से लोन भरने लाया, मैं व्यापार करूं, मैं नमक भर के लाया हूं, ऐसा कहा। भगवान मुस्कुराए, बाबा रामदेव जी महाराज मुस्कुराए, हंसे और कहते कि ठीक है कोई बात नहीं। जैसी थारी भावना रे वैसो फल पावे, जैसी थारी भावना रे वैसो फल पावे, राजस्थान में राजा के बच्चे को कंवर कहते, राजकुमार, राजकुमार
ने राज कंवर अजमल जी रा कंवर मारी वाड़ी धावे धड़ी रे गोटराड धावे मारी वाड़ी धावे धड़ी रे गोटराड धावे रणुचे में खंबा खंबा गावे जियो रामा रणुचे में खंबा खंबा गावे जी अजमल जी रा कंवर खंबा खंबा हो बाबा रणुचे रा धनिया बाबा रामदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है भाई लाखा जी जैसी थारी भावना और लाखा सेठ आगे के गांव पोखरण में पहुंचा जहां इनके सारे सेठ साहूकार बंधे हुए थोक माल होलसेल में देने का माल चेक करने के लिए बाड़े खोली गई और जब मुट्ठी भर के मिश्री निकाली गई वो नमक हो चुका था। सामने वाले सेठ जी ने कहा कि आज थे नमक भर लाया हो लून भर लाया हो। बोले कौनी सेठा लून नहीं नमक लाया वो मिश्री लाया दूसरी बाड़द को तीसरे बाड़द को खोले सब में नमक लाखा सेठ तो उछल उछल कर रोने मचलने लगा परेशान होने लगा। सेठ जी ने कहा कि काय हो गयो इतना कैसे चेंज हो गया आप मिश्री भर कर लाए और ये सारा नमक कैसे। उसने एक बात कही काय बताऊं सेठा रणुचारी के लिए जहां रामदेव राय एक नगर है बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने सामने वो नगर बसाया था सारे समाज से सारी जातियों से सारे कैटेगरी स्तर के लोगों से प्रेम किया। एक डाड़ीबाई नाम की उनकी भक्त रही हरिजन समाज से और हरिजन समाज की लड़की परम भक्त बाबा रामदेव जी की मीरा जैसी भक्त जब बाबा रहे तो उसके सामने कोई रोक नहीं सके उसे लेकिन उनकी गैर उपस्थिति में लोग उसका तिरस्कार करें लेकिन बाबा ने आखिरी कथा आती है उनकी समाधि की कि उस समय उसका जय जयकार करवाया। आज भी वहां पर दो समाधि है एक बाबा रामदेव जी की और वो डालीबाई नाम की लड़की हरिजन समाज। बाबा रामदेव जी ने कहा जात पात से भगवान का कोई लेना देना नहीं है भगवान भगवान होते हैं जिसकी आत्मा में भक्ति होती है भगवान उसी के होते हैं ये मनुष्य ने बनाया। और अंतिम समय में बाबा रामदेव जी महाराज ने कहा कि बहन डाली काई कहनो है थारो। डाली भाई ने कहा मारा भगवान मारा सतगुरु हे मारा देवता मैं थारा पहली समाधि ले ली पची थे समाधि। लोगों ने विरोध किया क्या भगवान की बराबरी करती है। बोले बराबरी नहीं उसकी भावना है। जब समाधि खोदी गई तो डालीबाई ने कहा अगर उसमें स्त्रियों का पोशाक मिलता है स्त्रियों का श्रृंगार मिलता है तो वो समाधि मेरी अगर चरण पादुका मिलती है तो समाधि बाबा की। जब समाधि खोदी गई तो प्रथम डालीबाई ने जो कहा वो निकला। बाबा रामदेव जी ने अपने भक्त डालीबाई का गौरव बनाया। उसी दिन सारा समाज सारे राजपूत सारे क्षत्रिय सारा समाज डालीबाई की जय जयकार इस तरीके से सबको एक कर। और लाखा सेठ मचलने लगा रोने लगा। सब लोग एकत्रित हुए उन्होंने कहा अरे सेठ जी अब एक काम करो काई हुई हो मार्ग में। मार्ग में मिलिया माने एक लीले घोड़े वाला
भगवान रामदेव जी की सवारी एक सफेद शुभ्र घोड़े के ऊपर है, एक लीला घोड़ा, हाथ में भाला और केसरिया बाना, और वो सारा वो मिले। और उन्होंने पूछा तो मैंने नमक बताया, इतनी ही गलती हुई। लोगों ने कहा कि सेठ जी आप सीधे रामदेव रे चले जाओ, रणुचे में एक अवतारी पुरुष है, उनारे चरणा में जाओ, उनकी चरणों में जाकर हिजमत करो, प्रार्थना करो, दया हो जाए। सिर की पगड़ी लाखा सेठ ने बगल में दबाई, पांव की जूतियां उतार कर फेंक दी, और पोकरण से रामदेवरा 7-8 किलोमीटर है। पावया लिवाणो सेठा माथा रे मुंडे लो, पावया लिवाणो लाखा माथा रे दोड़िया दोड़िया रणू के जावे जी रामा, दोड़िया दोड़िया रणू के जावे जी अज माल जीरा कमरा कम्मा कम्मा हो रहा बरणू सेठ जी। लाखा सेठ दौड़े और महलों के सामने मेरी लाज बचाओ धनिया, मैं लुट गयो, मैं मर गयो, यूं प्रकार से प्रार्थना करने लगे। आवाज आई, माता मैणा दे ने देखा कि ओहो लाखा सेठ आया, प्रसिद्ध था, बड़ा साहूकार था। अरे सेठा कहीं हो गयो, कहते मां मैया माने रामदेव जी रो दर्शन करनो। मां ने बोला कुछ न कुछ करते ही रहता है, कहीं लाखा बिन जारा बेटा रोवता रे आया, लाखा रे सेठ बेटा रोवता रे आया, इन रोथे काई कर आयो। क्या हो गया? भगवान रामदेव जी आए, खड़े रहे, राजकुमार अवस्था में थे, सेठा काई हो गयो, मैं काई क्यों थारो, क्या किया मैं? चरणों में दंडवत गिर गया और कहते कि धनिया हे अन्नदाता, मैनु गिरा रे थारी माया नहीं जानी, मैनु गिरा रे थारी माया नहीं जानी, माफ करो दीनानाथ जियो रामा, माफ करो दीनानाथ जियो अज माल जीरा कवरा कम्मा कम्मा हो रा करणु चेरा धनिया, बाबा ने दावे आज माया थारी माया नहीं अपनी पगड़ी उतार के लाखा सेठ ने बाबा के चरणों में रख दी। ये समाज में एक रीत थी बड़ी सुंदर, अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो अपनी पगड़ी उतार कर चरणों में रख देना और मामला सुलझा लेना, ये मेरी इज्जत आपके। लाखा सेठ ने अपनी पगड़ी उतारी, बाबा के चरणों में रखी और प्रार्थना की कि आज से मेरा परिवार, मेरा राजस्थान का समूचा परिवार आपको कुल देवता के रूप में माने। उस समय लाखा सेठ ने बाबा का 125,000 रुपए का मंदिर बनाया। उस समय विचार करो आप, 125,000 रो थारो मंदरियो बना, 125,000 रो थारो मंदरियो बना, सोने रो क
कलश चढ़ाओ जियो लाखा सेठ लाखा बंजारा सवा लाख का मंदिर उस जमाने में सोने का कलश चढ़ाया वरदान मिला जा तेरी मिश्री होगी रिटर्न गया सारे बालदों में मिश्री हो गई खड़ी शकर तब से सारा समाज बाबा रामदेव जी को कुल देव के रूप में मान लिया मुस्लिम धर्म के पांच पीर आए मक्का मदीने से बाबा रामदेव जी को मिलने के लिए और बाबा रामदेव जी महाराज उन्हें जंगल में ही मिल गए शहर के बाहर ही मिल गए कहते कि कहां जा रहे हैं कहते कि कोई एक बड़ा औलिया हुआ है रामदेव पीर रामदेव के नाम से उन्हें मिलने जा रहे हैं कहते कि हुजूर थोड़ा बैठिए पांचों पीरों को बैठने के लिए घोड़े के ऊपर की जीन उतारी और बैठने के लिए डाला वो बढ़ते गए पांचों बैठे पांचों ने सोचा कि ये जीन जो है दो आदमी बैठ सकते थे पांच कैसे बैठ गए शायद यही तो नहीं हो वो रामदेव तो पांचों ने दातुन की और दातुन को चीर के पांच जगह लगा दी उसके ऊपर मुंह धो लिया वो बड़े सिद्ध थे पांचों पीर तुरंत वहां पर पेड़ हो गए उसी समय आप कहोगे कि टिश्यू कल्चर किया होगा लेकिन उसी समय जस्ट उसी क्षण पेड़ हो गए बाबा रामदेव जी ने देखा ठीक है सम्मान किया आओ मेरा ही नाम रामदेव है मैं ही छोटा सा मेरा ही नाम रामदेव है आइए अपने महलों में ले गए और वहां भोजन का प्रबंध हुआ है भोजन पर बैठ गए और पांचों पीरों ने कहा हम आपका भोजन यहां ऐसे नहीं कर सकते क्यों हमारे जो कटोरे थे जो सिद्ध है जिसमें ही हम खाना खाते हैं वो रख कर आए भूल गए हम इसलिए नहीं खा सकते बाबा रामदेव जी महाराज बैठे बैठा बैठा बाप जी भुजारे पसारी मक्का सू कटोरा मंगाया कहते कि ऐसा नहीं होगा पांच कटोरे आ गए पांचों पीर बंदगी में खड़े रह गए उन्होंने एक हरा कपड़ा चीरा फाड़ करके बाबा रामदेव जी के हाथ में बांधा और कहा अन्नदाता आज से हम आपको पीरों का पीर करके स्वीकार करते हैं पीरो रा पीर ताने रामा पीर कैसी भगवान वहां तो कोई बात ही नहीं है और पांचों ने उसी जगह रहकर जीवन बिताया और वहां समाधियां ली पांच पीरों की समाधियां उधर है रामदेव से 2-4 किलोमीटर बचपन की 5 वर्ष की उम्र में कपड़े के घोड़े को सजीवन करके उस पर बैठकर उड़ गए